हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और इस वक्त हम खड़े हैं जमशेदपुर के बिष्टुपुर एरिया में और यहाँ पर जैम स्ट्रीट चल रहा है। देख सकते हैं स्ट्रीट मेन रोड है, काफ़ी ज़्यादा भीड़ भाड़ लगा हुआ है यहाँ पे। और यहाँ पे डिफरेंट तरह के इवेंट किए जा रहे हैं और वो इवेंट मैं आपको दिखाता हूँ। और काफ़ी ज़्यादा भीड़ भाड़ लगा हुआ है यहाँ पर, तो आइए मज़े लेते हैं इन सब इवेंट का। और यहाँ पे इवेंट हो रहा है बैडमिंटन का। बैडमिंटन में यहाँ चार लोग डबल्स खेल रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा ठंड का समय है, सुबह का टाइम है। और ये जो है महीने के आखिरी संडे, मतलब 27 नवंबर है आज, तो आखिरी संडे को हर सुबह ऐसे ही लगता है। देख सकते हैं स्केटिंग यहाँ पे हो रहा है बच्चे लोग का, बहुत ही सुंदर नज़ारा और काफ़ी दर्शनीय लग रहा है, काफ़ी अच्छा लग रहा है स्केटिंग करते हुए। और ये जो जैम स्ट्रीट है, ये जैम स्ट्रीट डिफरेंट सिटीज़ में होता है, भुवनेश्वर में होता है, गुरुग्राम में होता है और जमशेदपुर में भी उसी तरीके से किया जा रहा है। टाटा स्टील इसको ऑर्गेनाइज़ करती है और ऑर्गेनाइज़ करते करते ये सुबह के 5 बजे से लेकर के 9 बजे तक चलता है ये जैम स्ट्रीट। और काफ़ी ज़्यादा भीड़ और यंगस्टर आते हैं, अवेयर किया जाता है यहाँ पर नशा को लेकर के और भी बाकी सारी चीज़ों को लेकर के यंगस्टर को अवेयर किया था। तो कोरोना की वजह से पिछले 2 साल से ये चीज़ बंद था जैम स्ट्रीट, और इस साल तीसरे साल ये जैम स्ट्रीट खुला है और काफ़ी ज़्यादा लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं और लोग आ रहे हैं। ठंड है काफ़ी, फिर भी देख सकते हैं टाटा स्टील स्पोर्ट्स अथॉरिटी के बिहाफ से ये चीज़ ऑर्गेनाइज़ कराया जाता है और एक हेल्दी सिटी, क्लीन सिटी के रूप में इसे जाना जाता है। और इसे क्या पर आपको आदिवासी पोशाक की एक झलक मिलेगी, ट्रेडिशन एकदम झारखंड कल्चर का, पेंटिंग वगैरह। अब देखते हैं कुछ डांस। Thank you.
सभी दर्शकों से अनुरोध है कि कृपया यहाँ पर योगा वगैरह भी सिखाया जाता है। डांस, गाना, मस्ती, कराटे, टाइकोंडो, फूड स्ट्रीट, पेंटिंग आर्ट, लाइव आर्ट सब कुछ यहाँ पर देखने को मिलेगा आप लोगों को। और जमशेदपुर का ये जो एरिया है, पूरे मेन रोड को ब्लॉक कर दिया गया है, देख सकते हैं इस तरीके से। और आगे पुलिस लगी हुई है, गाड़ी एक भी यहाँ से जा नहीं सकती है। मेरे पीछे देख सकते हैं, ये पूरा मेन रोड है, टू वे है, दोनों ही तरफ के चीज़ों को बैरिकेडिंग कर दिया गया है। और इधर टाटा स्टील का गेट है। जैसा कि हम जानते हैं, हर एक इवेंट का एक एंट्री होता है और एक एग्ज़िट होता है। तो एंट्री हमेशा लेफ्ट तरफ के रोड के तरफ से है और एग्ज़िट जो है राइट तरफ के रोड से है। तो काफ़ी बेहतरीन तरीके से यहाँ पे मैनेजमेंट किया गया है, पुलिस प्रशासन वगैरह सब कुछ है यहाँ पर और व्यवस्थित तरीके से है। ऐसा नहीं कि उमड़ गया भीड़ और कुछ व्यवस्था नहीं कर पाया, बहुत ही अच्छे तरीके से किया गया यहाँ पर चीज़ों को मैनेज।